दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि सारे PSU स्टॉक्स, वो चाहे PSU बैंक्स जैसे SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, शिपिंग कंपनीज जैसे कोचिन शिपयार्ड या GRSE हो, या फिर ऑयल कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल या ONGC हो, सबके शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीज़न है, और है तो वो क्या है? इस वीडियो में PSU यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस करके हम इसी बात को समझेंगे, और आखिरी में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हमें PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। PSU स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सबसे सीधा और सरल रीज़न है कि हम एक बुल मार्केट में, जिसमें सिस्टम में अबंडेंट लिक्विडिटी है, मतलब बहुत सारा पैसा। जब पैसा ज़्यादा होता है और इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स लिमिटेड होते हैं, तब यह पैसा एक के बाद एक सारे सेक्टर्स को उठाने में लग जाता है। इसलिए हम कंटिन्यूसली मार्केट में सेक्टर रोटेशन होते हुए देख रहे हैं। कभी फाइनेंशियल शेयर्स चल रहे हैं तो कभी मेटल शेयर्स, उसी तरह अभी PSU शेयर्स चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वजह से शेयर मार्केट इन शेयर्स को हायर वैल्यू दे रहा है, वो है नियर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट का इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। इंडियन गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट करने के लिए बहुत कीन है, मतलब द गवर्नमेंट फील्स इट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। इसलिए एज पर रिपोर्ट्स, BPCL यानी भारत पेट्रोलियम का स्टेक प्राइवेट सेक्टर शेयर होल्डर्स को बेचने के बाद गवर्नमेंट और भी PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। कुछ और IPOs भी मार्केट में आएंगे। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO इसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर के एनालिसिस वीडियोस आप मिस ना कर दें। अगर इन्हीं सारी पब्लिक सेक्टर बैंक, शिपिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस कंपनीज में गवर्नमेंट ने अपना स्टेक प्राइवेट सेक्टर को बेचना चालू कर दिया, तो इन कंपनीज में बहुत हाई वैल्यू अनलॉक होगी, क्योंकि प्राइवेट ओनर्स इन कंपनीज को बहुत प्रोफेशनली रन करेंगे और अपने शेयर होल्डर्स की तरफ अकाउंटेबल भी होंगे कि उन्होंने कंपनी में कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया, जो कि मैनेजमेंट को प्रॉपर ग्रोथ पाथ पे रहने के लिए मजबूर करेगा। जबकि अब तक तो ये कंपनीज गवर्नमेंट का बोझ ही ढोती रहती थी, इसलिए अगर ऐसा होता है तो इनमें से कुछ वाइड मोड कंपनीज फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत हाई रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे ISCTC के अलावा कोई और रेलवे टिकट बुकिंग नहीं कर सकता, यानी ये कंपनीज अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोलीज है। इसलिए इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़ाकर इनके वैल्यूएशन को ऊपर ले जा रहे हैं, इस एंटिसिपेशन में कि आज नहीं तो कल डिसइन्वेस्टमेंट तो होगा ही। इसी बात पे वीडियो पे ज़ोर से एक लाइक तो बनता है। अब बात आती है कि क्या हमें और आपको इन PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो ये ज़्यादातर शेयर्स काफ़ी सस्ते हैं, मतलब अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये हमेशा से ही चीप रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न भी है कि गवर्नमेंट इन कंपनीज पर कभी भी अपने डिसीजंस थोप सकती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेकिंग बड़ी कंपनीज को छोटी कंपनीज एक्वायर करनी पड़ती है, जैसे ONGC ने HPCL को किया, या फिर कभी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को एक प्राइवेट बैंक को तक डूबने से बचाना होता है, जैसे SBI ने यस बैंक को डूबने से बचाया। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स दोनों सफ़र करती है, क्योंकि आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इन कंपनीज की अगले 5-10 साल में क्या फ्यूचर अर्निंग्स होगी। और वैल्यूएशन वही तो होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, जो PSUs के केस में हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए इन्वेस्टर्स सेफ साइड रहने के लिए इन कंपनीज को लोअर वैल्यूएशन ही असाइन करते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक और प्राइस टू सेल्स।
इन कंपनीज का ज़्यादातर कम ही होता है, और दूसरा अभी तक इन PSUs का डिसइन्वेस्टमेंट चालू नहीं हुआ है, सिर्फ ऐसी न्यूज़ है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हो, कल को गवर्नमेंट ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तब यही शेयर उससे तेज स्पीड से क्रैश होंगे जिस स्पीड से ऊपर गए थे। इसलिए अभी से इस एंटिसिपेशन में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करने में बहुत बड़ी रेगुलेटरी रिस्क है। फ्यूचर में जब न्यूज़ कंफर्म हो जाए तब इन शेयर्स को रीवैल्यूएट करके हम देख सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। PSU शेयर्स के अलावा शेयर मार्केट में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, हम वहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे, बिकॉज एज दे से देर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको कौन से स्टॉक या सेक्टर का एनालिसिस चाहिए, हम उसे कवर करने की भी ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू।